रिलेशन के बाद यानी कि संबंध बनाने के बाद अगला पीरियड नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब भी आप रिलेशन बनाते हैं अगर उस दौरान आपका ओवुलेशन टाइम होगा तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए जब अगर आपका पीरियड डेट मिस हो गया है तो उस पर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगले ही दिन मॉर्निंग में प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, घर पे ही आप कर सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। मेरी भी काफ़ी वीडियोस हैं उस पर कि कैसे आप घर पे कर सकते हैं, है ना। कई महिलाओं को डाउट होते हैं, कई सवाल होते हैं इसके ऊपर, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी। तो वहाँ पे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। उसके बाद आगे का कदम ये बढ़ाना है कि अगर आप प्रेग्नेंट होंगी और आप अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं तो इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए आपको अबॉर्शन का सहारा लेना पड़ता है, नज़दीकी डॉक्टर से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। दूसरा, अगर आपको ये प्रेगनेंसी रखनी है तो कंटिन्यू कीजिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव है फिर भी पीरियड नहीं आ रहा है तो इसमें आपको होम रेमेडीज़ का सहारा लेना चाहिए सबसे पहले। और उसके बाद आपको अगर होम रेमेडीज़ से नहीं आता है, 3-4 दिन करके देखना है सुबह शाम। होम रेमेडीज़ पे भी वीडियो है, आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। होम रेमेडीज़ से भी आपके पीरियड नहीं आते हैं तो ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। ट्रीटमेंट से 4-5 दिन के अंदर आपके पीरियड आ जाते हैं। मेडिसिन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है कि पीरियड लाने के लिए कौन सी बेस्ट मेडिसिन होती है जिनके साइड इफ़ेक्ट आपको कम देखने को मिलते हैं, तो उसका भी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए, एक चीज़ का सबसे पहले महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, वो है प्रेगनेंसी टेस्ट। जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही मिस होता है सबसे पहला काम आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ही करना है। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। सिम्टम्स से नहीं समझना है, लक्षण दिख रहे हैं तो उससे कुछ नहीं ऐसा सोच लेना है कि हम प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है, है ना। या फिर कई बार क्या होता है कि महिलाएँ घरेलू तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, है ना, कोलगेट से या फिर कई ऐसी डिटॉल से, कई ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनसे आपको नहीं करना है, वो एक्यूरेट नहीं बताते रिजल्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट किट बहुत एफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी ले सकते हैं, नज़दीकी फार्मेसी से आपको 50 से 60 के बीच में एक किट मिल जाता है और वहाँ से आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। नहीं रखना है बच्चा तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए, ज़्यादा दिन वेट मत कीजिए, है ना। और अगर निगेटिव है फिर भी आपकी जो पीरियड है वो नहीं आ रही है तो उसके लिए आपको होम रेमेडीज़ करनी चाहिए। होम रेमेडीज़ से भी कई बार महिलाओं के पीरियड आ जाते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन से आपके हार्मोन और भी ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं। और अगर होम रेमेडीज़ से नहीं आते तो फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा एक चीज़ भी यहाँ पे होता है, जैसे कई बार महिलाओं ने संबंध बनाने के बाद IPL या फिर अनवांटेड 72 जो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल होती है उसका इस्तेमाल किया हुआ होता है तो उसके बाद भी उनके पीरियड उनकी डेट पे नहीं आ रहे होते हैं। तो इसका एक कारण ये होता है कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं होती हैं लेकिन आपके जो पिल ली थी उस वजह से आपके जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो गए हैं, जिस वजह से आपके पीरियड जो डेट पे आने थे वो ना आके आगे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि लेट हो जाते हैं, है ना। तो उसके लिए वेट कीजिए लेकिन डेट पे ज़रूर प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। प्रेगनेंसी टेस्ट ही आपको बचाता है, है ना। आपको पता चलता है समय रहते, है ना, ज़्यादा लंबा समय ना हो जाए उससे पहले ही आपको पता चल जाए। तो डेट पे ज़रूर प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए और वेट कीजिए और होम रेमेडीज़ कीजिए। और बहुत दिन तक यानी कि 4-5 दिन तक आप होम रेमेडीज़ करी फिर भी नहीं आया तो आप ट्रीटमेंट की साइट जा सकते हैं। तो इस तरीके से भी होता है, IPL और अनवांटेड 72 लेने के बाद भी आपके पीरियड लेट हो जाते हैं। आते जरूर हैं, कई बार 8-8 हफ्ते में भी आते हैं, कई बार 6 हफ्ते में इस तरीके से आपके पीरियड आते हैं। तो वेट कीजिए, टेंशन मत लीजिए और होम रेमेडीज़ करिए। गरम गरम चीज़ें लीजिए, जैसे हल्दी वाला दूध हो गया सोते समय, अदरक वाली चाय हो गई, है ना, गरम पानी हो गया और गुड़ वाली चाय हो गई, अजवाइन पानी, जीरा पानी, ये सब चीज़ें लेंगे गुनगुना तो आपके पीरियड जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। इसके चलते आपको ठंडी ठंडी चीज़ों से परहेज करना है जिससे कि आपके पीरियड आने में रुकावट पैदा ना हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।